ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का सेवन करें, स्वस्थ रहें और कोरोना को करें बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, यम्मी इंडियाज़ किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ तरबूज के जूस की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आप 1 मिनट में घर पर आसानी से बना सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें हेल्दी खाना होगा और हेल्दी पीना होगा। बच्चों को तरबूज का रस ज़रूर पिलाएं और ख़ुद भी पिएं। इसमें भारी मात्रा में पानी होता है, 92% वाटर इंटेक होता है इसके अंदर। इसमें विटामिन ए एंड विटामिन सी भारी मात्रा में होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो प्लीज़ आप घर पर तरबूज का रस बनाएं और सभी को पिलाएं। सबसे पहले हमें चाहिए तरबूज। मैंने यहाँ पर 1 KG तरबूज लिया है। इसे मैं चाकू से इस तरह से गोल आकार में कट कर लूँगी अंदर से। अब हम इसका छिलका निकाल देंगे तरबूज का। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से निकल गया है। अब हम पहले इसे वर्टिकली यानी कि सीधा कट करेंगे, उसके बाद हम इसे हॉरिजॉन्टली यानी कि स्लीपिंग लाइन में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम एक बड़ा सा ग्राइंडर लेंगे, इसमें हम कटे हुए तरबूज को डाल देंगे। फिर इसमें आधा कप यानी कि 125 ml पानी डालेंगे। इसे हम 30 सेकंड तक ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं 30 सेकंड के बाद ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब एक बाउल हम लेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे स्ट्रेनर यानी कि बड़ी वाली छन्नी। उसमें हम जूस को इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद हम विस्क या फिर स्पून की मदद से इसे इस तरह चलाएंगे, ताकि जो भी जो बचा हुआ वेस्ट है बीज का, तरबूज में जो बीज होते हैं वो इसमें निकलेगा। इस तरह से हमें इसे घुमाते रहना है और बाद में बाकी बचे हुए जूस को भी हमें छन्नी में डाल देना है और विस्क की मदद से इस तरह से हिलाना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्रेश जूस बिल्कुल मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। अब जो बचा हुआ वेस्ट है उसे हम फेंक देंगे। हमारा बढ़िया होममेड फ्रेश जूस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम सर्विंग जग में निकाल लेंगे, उसके बाद हम सर्विंग ग्लास में इसे हम पोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग जूस बनकर तैयार है। अगर आपके बच्चों को फल खाना पसंद नहीं है, तो आप उन्हें जूस निकाल के इस तरह से दे सकते हैं। दोस्तों, बच्चों कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना दें, उन्हें मार्केट का जूस बिल्कुल ना दें, उन्हें सिर्फ घर का बना फ्रेश जूस ही पिलाएं। उन्हें मोटिवेट कीजिए हेल्दी चीज़ें पीने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। सेम रेसिपी को इंग्लिश में देखने के लिए हमारे इंग्लिश चैनल यम्मी इंडियाज़ किचन इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।